एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही काम की वीडियो है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बिना जूसर के हम अनार का जूस कैसे निकाल सकते हैं। अनार का जूस अक्सर हमें घर निकालना पड़ जाता है, बट हम बाजार से लेते हैं जो कि पूरी तरह से हेल्दी नहीं होता, और घर का जो जूस है वो आपको पता है कि प्योर होता है। तो इसी पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से बिना जूसर के अनार का जूस कैसे निकाला जाता है। इस जूस को बनाने के लिए हमने दो अनार छील लिए हैं, तो ये जूस हमारे जो है इसे बनाने के अंदर एक मिनट भी नहीं लगेगा। आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा देर के लिए ब्लेंड नहीं करना। ये जार है मिक्सर का, इसके अंदर हम ये दाने डाल देंगे और इसमें हमने कुछ नहीं डालना, और बिल्कुल हमने 10 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ इसे ब्लेंड करना, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो जूस की जगह ये पूरा गाढ़ा सा एक वो बन जाएगा, जैसे एक मसाला बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जार के अंदर निकालते हैं, मिक्सर के अंदर निकालते हैं, बट वो तो गाढ़ा हो जाता है, वो जूस नहीं रहता। लेकिन इसे बनाने का एक तरीका होता है, इसे एक मिनट भी आपने ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसे ब्लेंड करना है ताकि इसका जूस बन जाए। बस इससे ज्यादा हमने इसे ब्लेंड नहीं करना, और अब हम इसे एक छलनी के अंदर छान लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो ये बीज हैं ये हमारे बीच में रह गए हैं और जो जूस है वो नीचे निकल गया है। अगर आप इससे ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा, जो बीज हैं वो भी ब्लेंड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत कम इसको ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये अनार का जूस निकालने का। इसे हमने अच्छे से छान लिया है, अब एक गिलास में डाल लेंगे। ये इतना ही बना है, आपको ऐसा लगेगा कि ये बाजार के जितना नहीं बना, क्योंकि बाजार में इसके अंदर पानी या कुछ भी मीठा या कुछ भी मिक्स कर देते हैं। हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया, ये बिल्कुल प्योर जूस है और बहुत ही हेल्दी ये जूस है और बहुत इजी तरीका है। मिक्सर सबके घर में होता है, जूसर कम होता है। आप मिक्सर के अंदर अनार का जूस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, काला नमक सर्व करने के लिए, और अब आप इसे स्ट्रॉ लगा के या किसी भी तरह इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके बहुत ही काम आएगी। आप इसी प्रोसेस के साथ अनार का जूस निकाल लें बिना जूसर के, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।